हेलो सीएमए क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम पार्ट टू करेंगे वेरिएंस टॉपिक का, ठीक है। स्टडी नोट 6 सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर 8। लास्ट हमने इलस्ट्रेशन 5 तक डिस्कस किया था, आज हम इलस्ट्रेशन 6 टू इलस्ट्रेशन 10 तक या जितने हो सकते लास्ट तक हम जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम में इलस्ट्रेशन 6 से। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ केमिकल डी इज मेड अप। केमिकल डी बनाने के लिए हमें केमिकल ए बी सी स्टैंडर्ड मटेरियल हमें दे दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस भी दे दिया है। इन अ बैच ऑफ 500 केजी ऑफ केमिकल डी वेयर प्रोड्यूस फॉर अ मिक्स ऑफ केमिकल ए बी एंड सी। अब 500 किलो के बैच में हमें एक्चुअल क्वांटिटी जो हमें मिली गई वो है 140, 220 और 440 केजी। हाउ डू यू याइल्ड अ मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट टू वेरिएंस इन द एक्चुअल कॉस्ट पर 100 केजी ऑफ केमिकल डी। अब ये हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 100 केजी के हिसाब से है, और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो उन्होंने 500 बैच के हिसाब से कहा है, और हमें केमिकल डी के वेरिएंस 100 केजी के कंपैरिजन में चाहिए। तो आप जो ये 140 देख रहे हो ये 500 के हिसाब से है, तो 100 के हिसाब से कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 करें तो 28 जो आपका आता है वो केमिकल ए के लिए आता है। वैसे ही 220 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 तो आपका केमिकल बी आ जाएगा 44। सेम आप केमिकल सी के लिए करेंगे 440 इंटू 100 डिवाइड बाई 500 तो सी आ जाएगा आपका 88। तो हमें ये एक्चुअल जो क्वांटिटी दी थी वो 500 बैच के हिसाब से दी थी, हम इससे 500 करते, हम वैसे इसको 500 के हिसाब से लेके आते, पर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमको 100 केजी के हिसाब से चाहिए, तो फिर हम इनसे 500 क्यों करें, फिर तो हम 100 के हिसाब से जाए। तो बस आ जाइए, सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया है उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्मेट बना के रखा है, केमिकल के नाम, स्टैंडर्ड डेटा और यहाँ एक्चुअल डेटा लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा में तीन चीज़ें लिखी जाती है, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ए बी और सी की लिख लेते हैं, तो 30, 40 और 80, और प्राइस कितना है 4, 5 एंड 6। अभी टोटल हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है 150, क्लियर, और हमें कॉस्ट पर ये 100 का टोटल, तो हमारे लॉस कितने क्वांटिटी का हुआ, 50 क्वांटिटी का, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। अब हम वैल्यू निकाल देते, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 5 200 एंड 480। एक्चुअल क्वांटिटी मैंने आपको बताया कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना है, वो 500 बैच के हिसाब से था, तो 100 के बैच के हिसाब से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है 88। एक्चुअल प्राइस जो आपको दी गई थी वो है, अभी यहाँ जो एक्चुअल प्राइस आपको दी गई थी वो भी 140 केजी के हिसाब से 588 है, तो 28 के हिसाब से कितना, यहाँ पे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 28 इंटू 588 डिवाइडेड बाय 140, तो टोटल आ गया 117.6, क्लियर, 117.6। हमें एक्चुअल प्राइस की यहाँ ज़रूरत रहती नहीं है, इसके लिए मैं जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर यूनिट नहीं निकाल रहा हूँ, क्लियर। ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका भी कर दीजिए। अब केमिकल बी था वो 500 केजी बैच के हिसाब से था, तो इनका एक्चुअल प्राइस 1056 220 केजी के लिए था, तो 44 क्वांटिटी के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर से, तो आपका आ जाएगा 211.2 और इसका आ जाएगा 572.0। यहाँ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपकी होती है 160, प्रोडक्शन होगा 100 का तो 60 क्या हुआ आपका लॉस, टोटल इसका होता है 800 और इसका आता है 900.8। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केमिकल डी के लिए याइल्ड मिक्स वेरिएंस। याइल्ड मिक्स वेरिएंस एक तरह का वही होता है खाली, जहाँ हम सबसे पहले सब यूसेज लिखते थे वहाँ आ जाएगा याइल्ड, बाकी
कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ सब यूसेज की जगह यही रहेगा, बाकी कहीं कुछ चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ का फॉर्मूला रहता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यूसेज प्राइस और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो इनका फॉर्मूला है 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 1 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4। अब इन चारों की वैल्यूज़ हमें निकालनी हैं, तो इस तरह से हम चारों की वैल्यूज़ निकालते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट वन देखिए, आपको पता चल जाएगा। वन की वैल्यू, उसका फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी, मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस हम यहीं से लिख सकते हैं, 120, 200, 480। टोटल कितना आ गया आपका ये 800। अब आर एस क्यू एस पी, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 160। क्लियर? इस तरह से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकालेंगे। ये होगा आपका 32, ये आपका होगा 42.67, ये आपका होगा 85.33, और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी है, 456। तो टोटल आपका हो गया 128, 213.35 एंड लास्ट वन 512। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 28, 44, 88। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी है, 456। सो आपका ए क्यू एस पी कितना आया, 112, 220 और 528। टोटल आपका हो गया 860। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो 900। ऐसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस भी आप लिख सकते थे। अब हमें वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना है। फर्स्ट वाले का आंसर जो रहेगा आपका 1 माइनस 2, मीन्स के 800 माइनस 853 पॉइंट, यहाँ का टोटल हमने नहीं निकाला है, यहाँ का टोटल होता है 853.35, मीन्स के माइनस में 53.35, माइनस में है मतलब एडवर्स। सेकंड जो रहेगा आपका वो है 853.35 माइनस थर्ड 860, फिर 1 माइनस 3 मतलब 800 माइनस 860, 3 माइनस 4 मतलब 860 माइनस 900, 1 माइनस 4 मतलब 800 माइनस 900। ठीक है, सेकंड वाले का आपका 6.65 एडवर्स, थर्ड वाले का 60 एडवर्स, फोर्थ वाले का 40 एडवर्स एंड लास्ट वाले का 100 एडवर्स। क्लियर? अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 7 की ओर। इलस्ट्रेशन 7 में आपको जो टेबल 1 है एनालाइजिंग, वो आपको दे दिया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल, एक्चुअल क्वांटिटी एंड प्राइस एंड टोटल। आपको यह भी कह दिया है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स और याइल्ड और यूसेज निकालना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में मत जाना, आप वही अपने फॉर्मेट में जाना, कौन सा वाला जो मैंने आपको बताया, याइल्ड, मिक्स, यूसेज, प्राइस एंड कॉस्ट। तो हमें डायरेक्टली बस फॉर्मूला पुट करना है और वो चार चीज़ें निकाल कर ये आंसर निकाल देना है। सबसे ईजी सम है 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 1 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 4। अब इन चारों की वैल्यू निकालते हैं एस क्यू इंटू एस पी। तो एस क्यू इंटू एस पी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 3000, 1500, 900, टोटल हो गया आपका 5400। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, लॉस से पहले वाला, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस तरह से आपकी निकल आएगी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर्स्ट वाले की होती है 541.67, सेकंड वाले की 433.33, थर्ड 325। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है इनका, 3.75 एंड 3, टोटल 3250, 1625
एंड 975। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 400, 500 एंड 400। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है 6, 3.75 एंड 3। टोटल आपका आया 2400, 1875 एंड 1200। टोटल यहाँ भी लिख लेते हैं हम 5850 और यहाँ का 5475। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये दिया गया ये होता है 5320। ठीक है, अब 1-2 मतलब 1 कितना है आपका 5400 माइनस 5850। क्लियर, 2-3 5850 माइनस 5475। 1-3 5400 5475। क्लियर, फिर 3-4 आपका कितना आएगा 5475 माइनस 5320। 1-4 5400 माइनस 5320। फर्स्ट वाले का आंसर माइनस में 450 जो कि एडवर्स हुआ। सेकंड वाले का आंसर 375 प्लस में आया मतलब फेवरेबल होगा। थर्ड वाले का 75 नेगेटिव एडवर्स में। फोर्थ वाले का 155 प्लस में फेवरेबल। थर्ड वाले का 80 प्लस में मतलब फेवरेबल। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। एट छोटा सा समय लॉजिकल है आपको। देखो मटेरियल यूसेज प्राइस एंड कॉस्ट निकालना है तो हम कौन से फॉर्मेट में चलेंगे, यूसेज प्राइस एंड कॉस्ट यूपीसी, जो 1-2 2-3 एंड 1-3 हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस चाहिए। तो क्वेश्चन में से ही हमें मिल जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज़ एडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ 100 kg। ठीक है, 100 किलो चाहिए एक 70 किलो प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्राइस ऑफ मटेरियल आपका दिया गया है 1 per kg, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिल गया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक जस्ट आपको फॉर्मेट बताया गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है वो नहीं बताई है आपको, जस्ट बता दिया गया है कि भाई 100 किलो चाहिए 70 किलो के लिए। वैसे ही आपको एक्चुअल आउटपुट बता दिया है 210 kg। मटेरियल यूज कितना है 280 kg। देखो यहाँ आप देख सकते हो कि 280 kg पे उसने आउटपुट कितना निकाला है 210 kg। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया है इन्होंने 252,000। आपको कैलकुलेट करना है यूसेज वेरिएंस प्राइस वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 280 kg। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसी से आप पता कर सकते हो। कैसे, अगर आपका 280 kg पे आउटपुट 210,000 kg आता है तो आप यहाँ निकाल सकते हो कि 100 kg पे मेरा आउटपुट 70 kg है तो 210 kg के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए। ठीक है, 100 kg के लिए आपका आउटपुट कितना आ रहा है 70 kg। तो जब आपका 210 kg आउटपुट चाहिए इतना ही एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से, तो आपको कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। तो टोटल 210,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 करोगे टोटल 300,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको मिल गई। कितनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी 300,000। तो आइए सम सोल्व करते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई 300,000। एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई हमें 280,000। स्टैंडर्ड प्राइस मिल गया हमें 1 और एक्चुअल प्राइस हमें उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब हमें तीन चीज़ें निकालनी हैं, कौन सी मटेरियल यूसेज वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला है 1-2, इसका फॉर्मूला है 2-3 और इसका फॉर्मूला है 1-3। 1 मतलब आपका होता है SQ
SP, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 3 लाख जो मैंने अभी निकाला, कैसे स्टैंडर्ड प्राइस 1, मतलब आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना हुआ 3 लाख। 2 आपका होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 2,80,000, स्टैंडर्ड प्राइस है 1, मतलब ये हुआ आपका 2,80,000। और थर्ड आपका होता है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, जो कि आपका रहता है 2,52,000। और यहाँ पे आपको दे दिया गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्लियर? अब 1 - 2 मतलब 3 लाख माइनस 2,80,000 मतलब 20,000 का आपका फेवरेबल आया। 2 - 3 2,80,000 माइनस 2,52,000 मतलब 28,000 का फेवरेबल आया। थर्ड 3 लाख माइनस 2,52,000 मतलब 48,000 का फेवरेबल आया। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट सम था, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 9 की ओर। शॉर्ट सम में इम्पोर्टेंट है, आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन 100 kg दिया गया है, जिसका प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस है 2.25 पर kg। इन अ कॉस्ट पीरियड आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है और कंजप्शन दिया है। आपको यूसेज और प्राइस वेरियंस निकालना है। मेन वेरियंस इज कैलकुलेटेड पॉइंट ऑफ परचेस, फीफो बेसिस एंड लीफो बेसिस। ठीक है, फीफो बेसिस, लीफो बेसिस और एट द टाइम ऑफ परचेस। तो किस तरह से निकालते हैं सॉल्यूशन? सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको देख ले, तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितनी दी गई है, वो है 100 kg। और स्टैंडर्ड प्राइस आपको कितना दिया गया था, 2.25 kg। और एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितनी दी गई थी, वो जो कंजप्शन था वो एक्चुअल क्वांटिटी थी 110। अब आपको निकालना है यूसेज और प्राइस, पॉइंट ऑफ परचेज, फीफो और लीफो। ठीक है, तो एक बात याद रखने की कि यूसेज जो होता है कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल, यूसेज वेरिएंस होते हैं वो इन तीनों के लिए नहीं होता है। तो हम जस्ट खाली एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल देंगे, जो है SQSP माइनस AQSP, इसका फॉर्मूला है। जो हम इजीली सोल्व करना चाहते हो तो SP ब्रैकेट में रखकर SQ माइनस AQ, शॉर्ट में अगर निपटाना हो तो ऐसे, वरना SQ इंटू SP करिए और AQ इंटू SP करिए, मतलब 100 × 2.25 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 110 × 2.25, ऐसे अलग अलग करके करिए। 2.25 ब्रैकेट में 100 माइनस 110, अब 2.25 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, एडवर्स। फर्स्ट वाले का रिपोर्ट क्या आया, एडवर्स। एंड सेकंड, अभी हमें कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस वेरिएंस करने का है। अब कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस वेरिएंस होगा ना, वो इन तीनों के बेसिस होगा, एट पॉइंट ऑफ परचेस, फीफो बेसिस एंड लीफो बेसिस। अब सबसे पहले हम करते हैं पॉइंट ऑफ परचेस, तो प्राइस वेरिएंस क्या आएगा आपका, यहाँ इसका फॉर्मूला रहेगा AQSP माइनस AQAP। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है, 110, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2.25, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 110, एक्चुअल प्राइस कितनी है 2.15, टोटल आपका आ गया 11 फेवरेबल। क्लियर? ये मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया है। अब सेकंड, फीफो बेसिस पे फॉर्मूला आपका क्या रहता है, AQSP माइनस AQAP। ठीक है, वही ऊपर वाला जो आपका रहता है वो नहीं। जब आप पॉइंट ऑफ परचेस करते हो तो परचेस के टाइम आप एक्चुअल प्राइस क्या लोगे, 2.15 लोगे। क्लियर?
लेकिन अभी आप फीफो बेसिस पे ले रहे हो, तो फीफो बेसिस पे आप एक्चुअल प्राइस कितनी लोगे? सॉरी, जब पॉइंट ऑफ परचेस लेते हो, हाँ ठीक है, सही बात है। फीफो बेसिस पे आपका खाली क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी रहती है 110 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपका 2.25 माइनस जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 100 इनटू 2.25 और बाकी का जो 10 रहेगा वो इनटू होगा 2.15 के हिसाब से। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 100 केजीज 2.25, बाकी 100 के ऊपर जितना भी टप गया वो किससे इंटू होगा 2.15। फीफो मीन्स पहले प्राइस फर्स्ट वाले से इंटू होगी, फिर सेकंड वाले से इंटू होगी, ठीक है। अगर 600 केजी होता तो 100 यहाँ से हुआ, नहीं सपोज करो 650 केजी होता तो 100 ये प्राइस से होता, 500 ये से होता, बाकी 25 जो नेक्स्ट प्राइस आती उससे इंटू होता। तो यहाँ आपका एक्चुअल क्वान्टिटी स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया टोटल 110 इंटू 2.25 तो 247.5 माइनस 100 इंटू 2.25 मतलब 225 प्लस 21.5 247.5 माइनस 225 प्लस 21.5 246.5 माइनस 247.5 तो कितना है आपका 1 फेवरेबल में आंसर आया। अब करते हैं हम लीफो बेसिस पे। लीफो बेसिस पे मतलब कि हमें लास्ट वाली प्राइस से हमें एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस इनटू करना है। इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 110, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 2.25, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 110, एक्चुअल प्राइस आपका रहेगा 2.15। क्लियर? टोटल 247.50 माइनस 236.50 इक्वल्स टू 11 में आपका फेवरेबल आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट इलस्ट्रेशन 10 हम करते हैं। यूसेज यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ थ्री लेबर वेरियंस। हमें तीन लेबर वेरियंस निकालना है। तीन लेबर वेरियंस कौन से है? तो आपका है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस और लेबर कॉस्ट वेरियंस। ये टोटल आपके तीन लेबर वेरियंस है जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने हैं। और इन तीनों को निकालने के लिए हमें तीन रिक्वायर्ड वैल्यूज़ चाहिए होती है। वो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है। आइए इलस्ट्रेशन 10 आपका जो रहता है ये लेबर वेरियंस का सम है। मटेरियल वेरियंस के सम अभी आपके होते हैं ख़त्म, एक आधा थोड़े आगे आएंगे। अभी ये सम में हमें निकालना है लेबर वेरियंसेस। तो लेबर वेरियंसेस के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला है। हमें इन्होंने कहा है थ्री लेबर वेरियंस निकालो, तो कौन से थ्री लेबर वेरियंस निकालेंगे हम? लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस। फॉर्मूला है इनका 1-2, 2-3 एंड 1-3। अब 1, 2 और 3 मुझे तीन वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई दिया है तीनों। इन दोनों डिपार्टमेंट एक्स का भी अलग निकालना पड़ेगा मुझे, डिपार्टमेंट वाई का भी अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट एक्स का निकालता हूँ। तो कौन सी तीन वैल्यू मुझे चाहिए? तो तीन वैल्यू आपको चाहिए एस आर एस एच मतलब स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड होवर्स। दूसरी चीज़ चाहिए मुझे स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल होवर्स। और थर्ड चीज़ चाहिए मुझे एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल होवर्स। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ग्रोस वेजेस डायरेक्ट दी है, ये आपका होता है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल होवर्स, ठीक है, जो आपको ग्रोस डायरेक्टली दे दी गई हो।
स्टैंडर्ड होवर्स आपको दे दिया गया है, स्टैंडर्ड रेट आपको दे दिया गया है। स्टैंडर्ड होवर रेट मतलब आपका ये हुआ SR, ये आपका हुआ स्टैंडर्ड होवर मतलब SH, एक्चुअल होवर मतलब AH आपको इतना मिल गया, और ग्रॉस वेजेस डायरेक्ट आपको मिल गई ARAH। तो ARAH तो मुझे डायरेक्टली मिल गया है, वो है 28080। SR मतलब स्टैंडर्ड रेट आपको दिया गया है 3, एक्चुअल ओवर्स आपको दिया गया है 8200, मतलब टोटल आपका हुआ 24600। स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 3, स्टैंडर्ड ओवर आपको दिया गया है 8640, तो ये आपका टोटल आया 8200। बस वैल्यू आपको मिल गई, अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1-2 मीन्स के 8200 माइनस 24600 इक्वल्स टू कितना बचा आपका, सॉरी 8640 इंटू 3 आपका आएगा 25920। अब मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 1-2 मतलब 25920 माइनस 24600 इक्वल्स टू आपका आया 1320 फेवरेबल में। सेकंड आपका 2-3 लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है, 2-3 2 आपका है 24600, 3 आपका 28080, मतलब ये आपका 3480 एडवर्स में आंसर आया। थर्ड आपका फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, 1-3 मतलब 25920 माइनस 28080 इक्वल्स टू 2160 एडवर्स में रिपोर्ट। अभी ये आपका जो था वो डिपार्टमेंट एक्स का था, अभी हम डिपार्टमेंट वाई में जाएंगे, वहाँ भी हम SR SH SR AH और ARAH निकालेंगे। इनका ARAH ये रहा 19370। क्लियर। SR AH इनका स्टैंडर्ड रेट 3.40, AH एक्चुअल ओवर 6395, तो 3.4 × 6395 और स्टैंडर्ड रेट इनका आ रहा है 3.40, स्टैंडर्ड होवर आ रहा है इनका 6015, तो 3.4 × 6015 करेंगे हम तो स्टैंडर्ड होवर आपका आया 20451, ये आपका आया 21743 और ये आपका आया 19370। अभी तीन वेरिएंस हमें निकालने हैं, कौन से, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, 1-2 2-3 1-3 1-2 मतलब 20451 माइनस 21743 तो इक्वल्स टू आपका 1292 एडवर्स रिपोर्ट आया, एंड 2-3 मतलब 21743 माइनस 3 19370 मीन्स के 2373 फेवरेबल रिपोर्ट आया, एंड 1-3 मतलब 20451 माइनस 19370 इक्वल्स टू 1081 फेवरेबल रिपोर्ट आया। क्लियर। सो हमारा पार्ट टू भी आज कंप्लीट होता है, लास्ट पार्ट थ्री बाकी है लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस का और स्टैंडर्ड वेरिएंस का टॉपिक का। थैंक यू सो मच।